गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स अगेन, मैं आज फिर से मैंने क्वेश्चन लिख दिए चारों, जो हमने लास्ट टॉपिक किया था एटम्स से मॉलिक्यूल से कैसे हम वेट निकाल सकते हैं, हम कैसे आखिर मास निकाल सकते हैं, तो ये हमने सीखा था लास्ट क्लास में। तो अगेन हम यहाँ पे क्वेश्चन एक में करके आऊँ, पहला क्वेश्चन मैंने लिख दिया ऑलरेडी। क्वेश्चन क्या बोला, कैलकुलेट द वेट ऑफ P4 विच कंटेन्स सेम नंबर ऑफ, मतलब आपको क्या बता रहा है बेटा, क्या बताना चाह रहा है ये कि P4 के जो है वो सेम नंबर ऑफ एटम्स है जिनके जितने इस सैंपल में है ना, उसके टोटल जो एटम है वो इस P4 के बराबर है। या तो आप एक तरीके से पहले इसके मोल्स निकालो, इसके एटम्स निकालो फास्फोरस के, इसके मोल्स निकालो फिर एटम्स निकालो, इसके मोल्स निकालो फिर एटम्स निकालो, इट विल टेक अ लॉन्ग मेथड। तो जो कल मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, आप एक काम करो, NP4 into Na into 4, ये क्या हो गया, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ फास्फोरस किसके बराबर होगा, N of H3PO4 into Na into 1, क्योंकि ना एटमिसिटी 1 हो गई प्लस। अब यहाँ पे देखो फास्फोरस का एटमिसिटी कितना, 1 into NPH3 into Na प्लस into 4 into N of P4O10 into Na। आप इस तरीके से हम इक्वेशन बना सकते हैं। अब आप बेटा गौर से देखिए, क्या Na 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 कैंसिल हो जाएगा, ओके। नाउ 4 into, अब उसने क्या बोला, व्हाट अ वेट ऑफ, तो 4 into 31 into 4 बराबर 31, एक फास्फोरस का, और आपको निकाले कितने के, तो क्योंकि चार दिए हुए ना, तो ये तो 31 into 4 ये मोलर मास हो गया। नाउ वेट ऑफ H3PO4 कितना दिया हुआ, 98 बाय 98 इसका मोलर मास हो गया into 1 प्लस PS3 का कितना दिया हुआ, 68 अपॉन इसका मोलर मास हो जाएगा 34 into 1 क्योंकि 1 इसका एटमिसिटी था प्लस। अब आपका क्या हो जा रहा है, P4O10 ना, P4O10 का 4 into, अब आपका इसका वेट दिया हुआ 568 अपॉन 284 इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा, कितना वेट हो जाएगा, 284 मॉलिक्यूलर वेट। तो आप 4 कैंसिल हो गया, ये 1 हो गया, ये कितने टाइम चला जाएगा, 2 टाइम चला जाएगा, और ये मेरे हिसाब से ये भी कितने टाइम चला जाएगा, 2 टाइम। तो W by 31 is nothing but 1 plus 2 plus 4 to 8, that's nothing but 4 to 8 to 10, 11, 11 into 31, तो that's nothing but 11 हो जा, 11 और 11 थी जा, 341 ग्राम। तो that is your answer, आप समझ गए होंगे, जिसको नहीं समझ में आ फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपने मोल्स लिखा, मोल्स into Na आपको क्या देता, मॉलिक्यूल देता, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को मैंने एटमिसिटी से मल्टीप्लाई किया, तो नंबर ऑफ एटम, और उसने ऑलरेडी बोला नंबर ऑफ फास्फोरस एटम इसके अंदर और इस पूरे सैंपल में दोनों बराबर है, तो पूरे सैंपल में सब फास्फोरस का इक्वेशन बना के ऐड करके इसके नंबर ऑफ फास्फोरस एटम के मैंने क्या कर दिया, बराबर कर दिया, एक लाइन में आंसर आपको क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो यहां तक प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया, ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट सेशन में भी करवाया था इस टाइप के, ठीक है। तो यहां से हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहां से हमारा पहला क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम 22 ग्राम ऑफ CO2 3×10^22 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 आर रिमूव्ड, कैलकुलेट द मास एंड मोल्स। देखो इसके नंबर्स और डिफरेंट तरीके हैं, बट मैं सबसे शॉर्टकट तरीका मैं ज्यादा बिलीव करता हूं, क्योंकि हमें एंट्रेंस निकालना, हमें PhD नहीं करनी है, तो हम सबसे शॉर्टकट मेथड से जाएंगे। मोल्स ओरिजिनल कितना हो जाएंगे, 22/44, तो दैट्स नथिंग बट 1/2, मतलब 0.5, ठीक है। मोल्स रिमूव्ड, अब रिमूव्ड कितने हैं भैया, CO2 के मोल्स है इतने रिमूव्ड, 3×10^22 डिवाइडेड बाय 6×10^23। नाउ इफ यू डिवाइड दिस, तो दैट्स नथिंग बट 1/20, इसको 1/2 करते हैं, इसको 1/20, तो मोल्स रिमेनिंग कितने हो जाएंगे, मोल्स रिमेनिंग आपके पास हो जाएंगे 1/2 माइनस 1/20, तो दैट्स नथिंग बट 18/40 हो जाएगा बेटा, ये आंसर आपको मिल जाएगा। नाउ ओके, नाउ मोल्स रिमेनिंग, तो हमारा ये चित्र खत्म हो गया, मोल्स, मास पूछा है CO2 का, तो मास कितना हो जाएगा, मास आपके पास हो जाएगा 18/40 into, मतलब वेट ऑफ CO2, वेट ऑफ CO2 कितना रिमेनिंग, दिस इज रिमूव्ड and this is remaining, तो R मतलब मैं सिंपल R मान के चलो, R मतलब रिमूव, R ये मतलब रिमेनिंग,
तो ये हो जाएगा 8 × 44 ग्राम। तो बाकी आप कैलकुलेशन आगे आप कर सकते हो, मेरा यहाँ तक काम था तो मैंने आपको यहाँ तक बता दिया। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी बेटा कि कैसे करना है हमें क्वेश्चंस डील कैसे करना है, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब से जो आंसर आना चाहिए 19.8 ग्राम, ये अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सेकंड क्वेश्चन डन हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला, फ्रॉम 48 ग्राम ऑफ हीलियम सैंपल 6 × 10⁻²³ एटम्स ऑफ हीलियम आर रिमूव्ड, फाइंड आउट द मोल्स ऑफ, अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो पहले मैं क्या करूंगा, एन ओरिजिनल मेरे पास कितना है, एन ओरिजिनल देखो, एन ओरिजिनल आपके पास है 48, दी गिवन मास था 4/4 उसका एटॉमिक मास, दैट्स नथिंग बट 12 आपके पास ओरिजिनल मोल से। देन व्हाट इज रिमूव्ड, आर एम मतलब रिमूव्ड, आर रिमूव्ड इसने क्या कितने किया, 6 × 10⁻²³ ऑफ हीलियम आर रिमूव्ड, मतलब 6 × 23 एटम थे वो, अगर मैंने 6 × 23 से डिवाइड कर दिया तो यू विल गेट व्हाट, 1। आपको पता है वो नंबर ऑफ एटम्स को अगर मैंने एन से डिवाइड किया तो आपको नंबर ऑफ मोल्स ही मिलेगा, जो पिछले लास्ट सेशन में भी हम करते आ रहे हैं, ठीक है। तो जिन बच्चों को अगर प्रैक्टिस की होगी लास्ट सेशन, दो क्लास से जिन्होंने प्रैक्टिस की होगी तो वो ये बहुत इजीली सॉल्व कर पा रहे होंगे। एंड ऑल्सो कैलकुलेट मास ऑफ कार्बन विच कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम्स आर लेफ्ट ओवर इन द कार्बन सैंपल। देखो क्वेश्चन यहाँ ट्विस्ट कर दिया मैंने दिया हीलियम के बारे में और पूछ रहा हूँ मैं किसके बारे में, कार्बन के बारे में। तो चलो n रिमेनिंग में निकाल लेता हूँ, भैया रिमेनिंग कितना बचा मेरे पास, तो 12 − 1 = 11। तो ये देखो अब बात करो हीलियम और कार्बन दोनों के एटमिसिटी कितनी है, 1 है। दोनों के जब एटमिसिटी 1 है तो दोनों के मोल्स भी क्या होंगे बेटा, बराबर ही होंगे। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं नंबर ऑफ, उसे क्या पूछा था, द कैलकुलेट द मास, तो हां एटमिसिटी 1 1 है, देन व्हाट इज द मोल्स, मोल्स भी क्या है 1 × 11, मतलब 1 × 11 * ln में मल्टीप्लाई करो तो भी आपका नंबर ऑफ एटम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आया, दोबारा समझा रहा हूं। हीलियम और कार्बन दोनों की एटमिसिटी 1 है, क्यों बोल रहे, दोनों के नंबर ऑफ एटम सेम है, क्या बोल रहे, नंबर ऑफ एटम सेम है। तो अब एक बात बताओ, इसका अगर 11 है, 11 इंटू एन ए इंटू 1, तो ये नंबर ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करेगा, 1 इंटू 11 इंटू एन ए, तो ये भी तो नंबर ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि उसने क्या बोल रहा है, उसने ऑलरेडी बोल दिया है कंटेन द सेम नंबर ऑफ एटम कार्बन, आपको उस कार्बन का वेट निकालना है जिसका एटम इसके हीलियम के एटम के बराबर हो। तो मैं ये मानकर चल रहा हूँ, तो आप डायरेक्टली आप ऐसे भी कर सकते हो, इतना लॉन्ग कट करने के बजाय आप डायरेक्टली ये मानो जिसकी एटमिसिटी सेम होती है उसके नंबर ऑफ मोल्स भी ऑटोमेटिकली सेम हो जाएंगे। तो कार्बन के मोल्स कितने हो गए, मोल्स ऑफ कार्बन 11, देन व्हाट इज द मास, तो दैट्स नथिंग बट 12 * 11, तो दैट्स नथिंग बट 132। तो यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी बेटा, ठीक है। नाउ मैं इतना होप कर रहा हूं कि आपको ये पहले 3 क्वेश्चन जो मैं अच्छे क्वेश्चंस है वो आपको समझ में आए होंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, कैलकुलेट द मास ऑफ ग्लोबल सॉल्ट, ग्लोबल सॉल्ट का एक फॉर्मूला होता है Na(SO4)·10H₂O व्हिच कंटेन 180 ग्राम ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो आप याद रखिएगा, ये जो वाटर मॉलिक्यूल को ही हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट सेशन में पढ़ाता था, बट मैं आपको थोड़ा बहुत लिटिल आइडिया दे रहा हूँ यहाँ से। सपोज करिए Na2SO4.10H₂O को अगर आप हीट करते हो तो ये आपको क्या देगा, Na2SO4+10H₂O, मतलब जो इस सॉल्ट, ये सॉल्ट में क्या है, ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है। देखो .10H₂O का मतलब क्या है, उस सॉल्ट पे वाटर मॉलिक्यूल अटैच है। जब आप इन चीजों को गर्म करते हो इसका मतलब ये है कि वो अपने आप वो वाटर मॉलिक्यूल वेपर के फॉर्म में उड़ जाएगा, इसका मतलब कुछ ना कुछ वेट रिड्यूस होगा। वेट रिड्यूस होगा इसका मतलब कौन सा वेट रिड्यूस हुआ, यही तो वेट रिड्यूस हुआ। आप चीजें समझने की कोशिश करिए कि ये जो वेट रिड्यूस हुआ मतलब इसने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उसने कितना दिया, 1, तो इसके मोल्स कितने हो गए 10। और ऐसे भी समझो 1 मोल कितने कितना वाटर मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 मोल, तो 10 मोल कितना ये फॉर्म करेगा, 1 मोल फॉर्म करेगा, 10 मोल, उल्टा भी तो हो सकता है, जब 1 मोल 10 मोल फॉर्म कर रहा है तो 10 मोल कितना फॉर्म करेगा, 1 मोल फॉर्म करेगा। क्यों बेटा, क्योंकि देखो यहाँ पे 180 ग्राम उसने दिया वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब यही तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और इसको अगर मैं डिवाइड किया 18 से तो यू विल गेट 10 मोल्स, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब समझो
एक मोल 10 मोल फॉर्म करता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो रिवर्स का मतलब भी तो वही होगा कि 10 मोल एक मोल ग्लोबल सॉल्ट फॉर्म करेगा। इसका मतलब मोल्स आपको 1 पता चल गया, देन व्हाट इज द मास, तो 1 इनटू इसका एप्रोक्सीमेटली हो जाता है मोलर मास 342 ग्राम, कितना 342 ग्राम, तो दैट इज नथिंग बट 342 ग्राम इज द आंसर। आई बस समझ में आया तक प्यारे बच्चे, सबको समझ में आया ठीक है। अब तो मैम थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं ठीक है। ये हमारा न्यूमेरिकल पार्ट था यहाँ तक, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर मैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ूं, ओके अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, जिसको हम AAM से रिप्रेजेंट करेंगे। किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे? AAM से। तो इसका एक बेसिकली मीनिंग मैं बता दे रहा हूं। अगर बोरोन है, बोरोन के दो नेचुरल आइसोटॉप होते हैं, क्या होते हैं? दो नेचुरल आइसोटॉप, एक का नाम B10 होता है और एक का नाम B11 होता है, जिसमें अप्रोक्सीमेटली ये 20% पाया जाता है और ये 80% पाया जाता है। इन्हीं के एवरेज, इसी के वेट का, इसी के मास का एवरेज को हम क्या बोलते हैं? एवरेज एटॉमिक मास बोलते हैं। तो मैं इसको डेफिनेशन लिख देता हूं, वेट ऑफ एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट नेचुरली अकरिंग आइसोटॉप्स, naturally occurring isotopes is known as average atomic mass, is known as average atomic mass, okay। तो इसका basically formula क्या होता है? It is a summation of percentage of ii into atomic mass of that isotope divided by percentage of isotopes। तो आपको यहाँ तक बात चीजें क्लियर हो गई होंगी, ओके। तो ii का मतलब उस isotope का percentage into atomic mass of that percentage। आई बात समझ में? यहाँ तक ai लिख दो, basically ai लिख देता हूँ। चलो यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो चुकी होंगी बेटा, ठीक है। नाउ अगर मैं इसको क्वेश्चन के फॉर्म में करता हूँ, लेट्स से एक क्वेश्चन करते हैं हम कि बोरोन कंटेन टू आइसोटॉप्स B10 एंड B11। देखो कभी कभी होता है कि आपको शायद मे भी विजिबल नहीं होगा, बट इसलिए मैं डिक्टेट भी करता रहता हूँ, जब डिक्टेट करता हूँ तो आपको सुनाई दे ताकि आप लिख सको उनको, ठीक है। इन बातों का याद रखना, B10 एंड B11 if their respective percentage are, if their respective percentage are 20 and 80 then calculate average atomic mass। मतलब परसेंटेज आपको दिया हुआ दो आइसोटोप्स का और आपको बोल दिया एवरेज एटॉमिक मास निकालें, तो बहुत ही आसान है बेटा, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। 10 वाले का परसेंटेज कितना है? 20 दिया हुआ है, और 80 वाले का परसेंट, 11 वाले का परसेंटेज कितना दिया हुआ? 80 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय, अब आपको तो पता है किसी का भी टोटल समेशन परसेंटेज हमेशा यहां किसके बराबर होगा? नीचे 100 के बराबर होगा, इसमें तो आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो 200 प्लस 88 0 by divided by 100, so that's nothing but 1080 by 100, so that's nothing but 10.8। तो यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी बेटा। तो दिस इज सिंपल बेसिक क्वेश्चन, बोर्ड लेवल के क्वेश्चन जो हमें आने भी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको फॉर्मेट में नहीं बता रहा हूँ, मैं बस डायरेक्ट ऐसे लिख दे रहा हूँ। क्लोरीन है, क्लोरीन के दो आइसोटोप्स होते हैं, Cl35 होता है, Cl37 होता है, ठीक है। सपोज करो इसका एक का परसेंटेज है आपका 75, ये आइसोटोप है, इसका परसेंट कितना? एक का 75% है, दूसरे का 25% है। कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास।
तो मैं ये मान के चल रहा हूँ आप वीडियो पॉज करके हमेशा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ये आपको हैबिट डालनी है जब तक ऑनलाइन चलेगा हमारा, ठीक है। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन, द एवरेज एटॉमिक मास, अगेन आप क्या करोगे, एवरेज एटॉमिक मास करोगे 35 इनटू 75 प्लस 25 इनटू 37, 37 डिवाइडेड बाय 100। पहले बच्चों ध्यान से समझना है यहाँ पे बात को, ठीक है। वो बात आपको क्या समझानी है मुझे समझो, आप देखो इसको कैलकुलेशन करो, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई, इट विल टेक टाइम। तो ट्राई आउट कि जो हमेशा याद रखिए ड्यूरिंग द कैलकुलेशन जो चीज कैंसिल हो सकती है उसको कैंसिल करिए। तो 100 25 बन जा, 25 3 जा, 25 4 जा, अब आसान कैलकुलेशन हो जाएगा। तो 35 3 जा कितना हो जाएगा, 105 प्लस 37 डिवाइडेड बाय 4, तो दैट्स नथिंग बट 142 बाय 4, तो दैट्स नथिंग बट 35.5। तो यहां तक आपको पहले बच्चे समझ में आ गए होंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं हम इसी बात पे, एवरेज एटॉमिक मास पे। देखो मुझे थोड़ा फास्ट बोलने की आदत होती है थोड़ा, क्योंकि आई वांट स्पीड, थोड़ा स्पीड रहेगा, मेंटेन रहेगा, तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी स्पीड होनी चाहिए, ताकि क्योंकि सी हमें बोर्ड एग्जाम नहीं देना, हमें डॉक्टर इंजीनियर बनना है, तो उसके लिए आपकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, इसलिए वो स्पीड की मेरे साथ साथ आपको आदत डालनी पड़ेगी, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई सपोज करो ए है, ए के तीन आइसोटॉप है, अगेन ए के क्या है मेरे, तीन आइसोटॉप है, एक है ए टेन, ए ट्वेल्व और ए फिफ्टीन, एक है ए टेन, ए ट्वेल्व और ए फिफ्टीन, जिसका परसेंटेज ये आइसोटॉप है और ये इसका परसेंटेज है 30, 20 एंड 50। अगेन आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास। नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन, नाउ लुक एट हियर, एवरेज एटॉमिक मास आपको अगेन फॉर्मूला पता है क्या होगा, 10 इंटू 30 प्लस 12 इंटू 20 प्लस 15 इंटू 50, जिसको डिवाइड करेंगे तो नीचे 100 आपको मिलेगा, तो 300 प्लस 240 प्लस 750 डिवाइडेड बाय 100, 0000 कैंसल, तो दैट समथिंग बट 5 4 9 9 5 4 9 7 2 9 3 12, तो दैट समथिंग बट 12.9, तो दैट इज योर एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। देखो मैं आपको समझाना क्या चाह रहा था वो बात को समझो, अब यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट आएंगे, देखो आप ये बात कह रहे हो जितने भी हमने क्वेश्चन किए, तो इसमें ये बात मैं बोल सकता हूँ कि एवरेज एटॉमिक मास जो होता है बेटा, हमेशा लोवेस्ट मास, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखना, ठीक है, लोवेस्ट एटॉमिक मास से तो ज्यादा रहेगा और हाईएस्ट एटॉमिक मास से क्या रहता है, कम रहता है। देखो अगर परसेंटेज बराबर रहा तो नो डाउट वो हमेशा मिड वैल्यू रहेगा, जैसे सपोज करो एक तो एक का एटॉमिक मास 28 है आइसोटॉप का, दूसरे का एटॉमिक मास 30 है, तो अगर दोनों का परसेंटेज बराबर है तो व्हाट इज द एवरेज एटॉमिक मास, 29, बीच की वैल्यू, राइट। तो आप ऐसा कंसीडर कर सकते हो कि एवरेज एटॉमिक मास अगर परसेंटेज बराबर है तो एवरेज एग्जैक्ट उनकी एवरेज वैल्यू वो देगा, अगर परसेंटेज बराबर नहीं है तो एवरेज एटॉमिक मास उसके सबसे ज्यादा क्लोजर होगा जिसका परसेंटेज सबसे ज्यादा होगा। अब आप यहां पे भी गौर करो, आपको 12.9 वैल्यू आ रही, मतलब ये किसके क्लोजर है, 15 के क्लोजर है, आप देखो 15 से 15 के पास वैल्यू आपको ये मिल रही है, आई बात समझ में। तो मैं लिख देता हूं यहां पे भी ये नोट पॉइंट, क्लोजर टू दैट आइसोटॉप हैविंग हाईएस्ट परसेंटेज, हैविंग हाईएस्ट परसेंटेज। तो यहां तक आपको चीजें समझ में आ गए होंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग हम करते हैं फिर से, ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट थिंग आ रही है, नाउ नेक्स्ट थिंग आ रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं फिर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ सब्सटेंस, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ सब्सटेंस हैविंग टू आइसोटॉप्स
having two isotopes of atomic mass amu respectively okay h is 496 amu ठीक है देखो ठीक है नाउ क्या बोल रहा है कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ बोथ आइसोटोप isotopes in the sample okay now koi substance hai jiska 2% hai theek hai average atomic mass koi substance hai jiske 2% jo isotope hai jiska ek ka mass hai 470 mass hai dusre ka 600 hai do isotope hai ek ka 470 hai aur dusre ka 600 hai जिसमें 496 उसने क्या दिया हुआ एवरेज दिया हुआ ठीक है तो बोल रहा व्हाट इज द परसेंटेज तो मान लो अगर ये x है तो ये 100 माइनस x हो जाएगा परसेंटेज की बात करो अगर ये 100 470 में मैंने x इसको परसेंटेज माना तो दूसरे वाले का परसेंटेज क्या हो जाएगा 100 माइनस x हो जाएगा देन व्हाट इज द तो फोर फार्मूला के अकॉर्डिंग 496 ऐसे लगोगे 470 into x plus 600 into 100 minus x divided by 100 अब यहां से आप क्या करोगे x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे थोड़ा लॉन्ग मेथड है अब यहां पे देखो मैं आपको शॉर्ट टेक्निक करता हूं ठीक है अब कभी भी परसेंटेज वाले क्वेश्चन में क्या करना कि जब आपको परसेंटेज किसी आइसोटोप का निकालना तो परसेंटेज ऑफ आइसोटोप 1 मॉड लेना आपको क्या लेना मॉड मॉड में क्या लेना एवरेज एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप 1 डिवाइडेड बाय mod of atomic mass of I1 minus atomic mass of I2 into 100 ये बहुत शॉर्टकट फार्मूला बेटा इससे आप जल्दी आंसर निकाल सकते हो जस्ट सपोज करो आपको फोर्स सपोज करो 600 वाले का परसेंटेज निकालना है सपोज करो मैं ऐसा समझा रहा हूं कि 600 वाले का परसेंटेज तो परसेंटेज ऑफ 600 आप क्या कर सकते हो परसेंटेज 600 ऊपर में क्या 496 माइनस 600 है तो आपको सबट्रैक्ट किससे करना है दूसरे वाले जिसका परसेंटेज निकालना है तो ऊपर आप सबट्रैक्ट किससे करोगे दूसरे अपोजिट वाले से मतलब 470 से आप निकाल रहे हो 600 का तो यहां सबट्रैक्ट किसका करोगे 470 का करोगे क्योंकि परसेंटेज तो आपको 600 का निकालना है तो उसके अकॉर्डिंग 496 माइनस 470 नीचे आप हमेशा क्या करो इन दोनों के एटॉमिक मास का डिफरेंस ले लो इन दोनों के एटॉमिक मास का डिफरेंस कितना हो जाएगा 600 माइनस 470 into 100 अब मोड इसलिए दिया हो सकता है कोई प्लस माइनस छोटा बड़ा हो सकता है i1 हो सकता है बड़ा हो जाए i2 बड़ा हो जाए तो मोड वैल्यू हमेशा पॉजिटिव देखो ऊपर तो कितना आ जाएगा ऊपर तो आ जाएगा आपका 26 नीचे आ जाएगा 130 into 100 तो दैट्स नथिंग बट 20 हो जाएगा 10 और 10 कैंसिल ये 2 तो ये हो जाएगा 20% आपको यहां से आंसर आए तो ये इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इसको ऐसे टेक्निक भी बोल सकते हो आप दिस इज माय टेक्निक आप इसे भी सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो ठीक है तो यहां तक मेरे बच्चों आपको समझ में आया अब एवरेज एटॉमिक मास का कांसेप्ट हमारा यहां पे क्या हो चुका है खत्म हो चुका है ठीक है तो अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं अब हम नेक्स्ट कांसेप्ट पे चलेंगे तो दैट्स नथिंग बट एवरेज मॉलिक्यूलर मास किसकी बात करेंगे हम एवरेज मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉरी नेक्स्ट कांसेप्ट है एवरेज मॉलिक्यूलर मास एवरेज मॉलिक्यूलर मास समझो बात को थोड़ा तो कुछ नहीं है बेसिकली क्या होता है पहले समझो एवरेज मॉलिक्यूलर मास जो होता है बेटा हम सिर्फ और सिर्फ गैसेस मिक्सचर के लिए निकालते हैं किसके लिए निकालते हैं
गैसेस मिक्सचर के लिए। अब एवरेज मोलर मास आप कैसे निकालते हो, तो याद होगा आपको मैंने एक फॉर्मूला दिया था कि मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन गिवन वेट अपॉन मोलर मास, राइट, गिवन मास अपॉन मोलर मास, है ना। तो अगर मैं मोलर मास उधर ले जाऊं मोल्स नीचे ले जाऊं, तो मेरा अब फॉर्मूला क्या, मोलर मास को मैं लिख सकता हूं वेट अपॉन नंबर ऑफ मोल, वेट अपॉन मोल्स। तो अब यहां पे बस यहां पे आपको क्या कर देना है, वेट की जगह, क्योंकि इट्स अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो मिक्सचर ऑफ गैसेस में तो बहुत सारे आपके पास गैस मिलेंगे, तो टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स फॉर्मूला हो जाएगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मोल्स को हम क्या लिख सकते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास। तो मोलर मास को मैं क्या लिख सकता हूं, गिवन मास बाय नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि ये मेरा मिक्सचर है, तो अब मास की जगह टोटल मास हो जाएगा, मोल्स की जगह टोटल मोल्स, बस इससे ज्यादा कुछ है नहीं। तो एक बेसिक डेफिनेशन लिख देता हूं, मास ऑफ वन मोल ऑफ ए मिक्सचर containing more than one substance, containing more than one substance is known as average molecular mass, is known as average molecular mass, ठीक है। Normally क्या होता है, it is applicable to only mixture of gases। इसका बेस्ट एग्जांपल दो, आपने एयर देखा होगा, एयर क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है, क्योंकि उसमें नॉर्मल देखो होते हैं तो बहुत सारे गैसेस है, बट नॉर्मल कंटेंट O2 और N2 का रहता है, इसका 32 और इसका 28, इसका मतलब ये जो एवरेज मोलर मास होगा ये भी किसके किसके बीच में होगा, लोवेस्ट से ज्यादा हाईएस्ट से कम। तो इसलिए एयर का जो मोलर मास जो होता है विच इज क्लोजर टू किसके आएगा, N2, क्योंकि इसका परसेंटेज सबसे ज्यादा है। सेम कॉन्सेप्ट एटॉमिक मास वाला, भाई जिसमें एवरेज एटॉमिक मास उसके ज्यादा वैल्यू क्लोजर रहता है, जिसका जिस आइसोटोप का परसेंटेज ज्यादा रहता है, उसी तरीके से किसी गैसेस ऑफ मिक्सचर में किसी गैस का परसेंटेज सबसे ज्यादा है तो एवरेज भी उसके नियर, उसके मोलर मास के नियर अबाउट आता है। तो यहां तक आपको शायद मेरे हिसाब से बातचीत से समझ में आ रही होंगे, ठीक है। नाउ अगर मान लो दोनों का ये इक्वल होता था, अगर ये दोनों का परसेंटेज इक्वल होता था, व्हाट इज द एवरेज 30, क्योंकि 28 प्लस 32 तो दैट्स नथिंग बट 60 डिवाइड बाय, हां तो 30 इनका एवरेज, अगर कब 30 एवरेज कब आता था, एवरेज मोलर मास ऑफ एयर इज इक्वल टू 30 कब, जब O2 का भी परसेंटेज 50 रहे और N2 का भी परसेंटेज कितना रहे, 50 रहे। तो यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगे, ठीक है, एक मिनट, ओके सॉरी टेक्निकल इशू था। नाउ यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो ये बात थी, तो इसका मतलब एवरेज मोलर मास ऑफ एयर किसके बराबर होगा, 30 से तो छोटा होगा बट क्लोजर टू 28 वैल्यू बोल सकता हूं मैं, क्योंकि परसेंटेज किसका ज्यादा है, एयर का, तो अब 50 से भी ज्यादा रहा N2 मान लो, तो ऑब्वियस बात है, तो 30 से तो वैल्यू क्या रहेगी, छोटी रहेगी और 28 के नियर अबाउट में रहेगी, क्योंकि N2 का परसेंटेज ज्यादा है ना बेटा, 28 भी नहीं हो सकता, 28 का मतलब हो गया कि एयर में सिर्फ N2 प्रेजेंट है, और 30 हो नहीं सकता क्योंकि इसका मतलब भी है कि O2 और N2 बराबर है, इसका मतलब ये वैल्यू कितना रहेगा, 28 और 30 के बीच में रहेगा। आई बात समझ में, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस तो मैं बोलता हूँ कि जैसे अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एवरेज मोलर मास AMM को मैं लिख सकता हूँ टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स, टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स कहते हैं इनको, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ समेशन ऑफ NI कैपिटल MI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ NI, तो दिस इज योर परसेंटेज एवरेज मोलर मास, ओके। नाउ क्वेश्चन करें, कैलकुलेट एवरेज मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सैंपल कंटेनिंग, यहां तक
की लाइन सब में सेम है, तो यहाँ पे बस मैं कंडीशन चेंज कर दूंगा लास्ट लास्ट में, आपको थोड़ा बहुत आइडिया से रहेगा। नाउ पहला कंडीशन है आपका, पहला क्वेश्चन है आपका मोल्स इक्वल मोल्स H2NCH4, इक्वल मोल्स ऑफ H2NCH4। सेकेंड कंडीशन है इक्वल मास ऑफ H2NCH4, इक्वल मास ऑफ H2NCH4। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज two moles of O2, 3 moles of CO2 and 5 moles of SO2। Okay, now ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करना है एवरेज मोलर मास निकाल के। क्वेश्चन पढ़िए, इक्वल मोल्स बोला है तो मतलब इसके भी n मान लो और इसके भी n मान लो, इक्वल मोल्स हो गए। अब इसके मास की बात करो तो मोल्स तो मुझे पता है इसने कितने दिए हुए n, देन व्हाट इज द मास, मास हो जाए मोल्स, आपको पता है मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई करो तो मास निकल जाएगा, तो ये 2n हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 16n। तो व्हाट इज द एवरेज मोलर मास, एवरेज मोलर मास मुझे पता है टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स, तो टोटल मास आपके पास कितना हो गया, टोटल मास हो गया आपके पास 16n plus 2n मतलब 18n divided by total mass कितना हो गया 2n, this or this cancel, that's nothing but 9। कुछ बात की अवसर कर रहे हो, ये 9 का मतलब क्या आ रहा है, इसका मतलब ये होगा अब आप यहाँ से एक ऐसा रूल लिखोगे, ठीक है। आप देखो इन सब शॉर्ट, ये आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये आप एक समझने के तरीके में बहुत छोटे छोटे शॉर्टकट टेक्निक दे रहा हूँ आपको। तो पहला ऐसा रूल जो आप बोल सकते हो वो ये होगा, इक्वल मोल्स हैव ऑलवेज एवरेज, इक्वल मोल्स ऑलवेज हैव एग्जैक्ट एवरेज, समझ रहे हो। इनका एग्जैक्ट 2 और 16 का एवरेज कितना आएगा, सॉरी 16 और 2 का एवरेज कितना आएगा, 9 एवरेज आता है, आप चेक कर लीजिए 16 प्लस 2 18 डिवाइडेड बाय 2 दैट्स नथिंग बट 9। तो हमेशा इक्वल मोल्स ऑलवेज हैव एग्जैक्ट एवरेज। इक्वल मास की बात करते तो सपोज करो ये W है और ये भी W है, देन व्हाट इज द मोल्स, ये तो मास हो गया आपके पास, दिस इज द मास, तो टोटल मास कितना हो गया 2W हो गया, और टोटल मोल्स कितना हो गया, मोल्स की बात करो तो ये क्या हो जाएगा W बाय 2 हो जाएगा और ये W by 16 हो जाएगा। Then what is the total mass, total moles आपके पास कितना हो जाएगा, W by 2 plus W by 16। तो ये आपके पास मेरे हिसाब से जो आएगा 89W by 32। Then what is the average molar mass, average molar mass आपके पास हो जाएगा 2W by 9W into 32। This is this cancel, तो 64 by 9। तो ये मेरे हिसाब से जो आंसर आता है, सॉरी इसका 16 आएगा मेरे हिसाब से, 16 है आंसर, इसका आंसर मीन 16 है, तो दिस इज 16, तो दिस इज 32 by 9। तो दिस इज योर एग्जैक्ट एवरेज मास, क्या है एग्जैक्ट एवरेज मास। अब यहाँ पे एक बात समझो, इक्वल मोल्स में तो आपका एवरेज एटॉमिक मास क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, लेकिन लेकिन इक्वल मास के केस में और 32 बाय 9 आप एप्रोक्सीमेटली कितने पहले समझ रहे हो, 9 3 27 9 4 36, तो 3 पॉइंट समथिंग कुछ ये वैल्यू रहेगी मेरे हिसाब से, तो 3 पॉइंट समथिंग ये वैल्यू किसके है, क्लोजर है H2 के। तो मैं बोल सकता हूं इन केस ऑफ इक्वल मास एवरेज मोलर मास इज closer to less lower molar mass, मतलब
तीसरा रूल आप ऐसा समझ सकते हो कि भाई इक्वल मास है कैसा, एवरेज मोलर मास उसके क्लोजर जाएगा जिसका मोलर मास सबसे कम होगा। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखो यहाँ पे तो और भी आसान क्वेश्चन था, एवरेज मोलर मास को मैं क्या कर सकता हूँ, 2 × 32 + 3 × 3 moles × 44 प्लस 5 × इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, 3 × 44 5 × 80 डिवाइडेड बाय 10, 3 + 2 + 5 = 10। तो दैट्स नथिंग बट ये आपका एग्जैक्ट आंसर जो आता है मेरे हिसाब से ये आपका आंसर आएगा 51.6। हाँ कितना आएगा 51.6। तो ये तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी मेरे हिसाब से बेटा, प्यारे बच्चों। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चन उल्टा करते हैं, रिवर्स करते हैं। अब हम क्या करेंगे, परसेंटेज पूछेंगे, राइट, जो से हमने पहले एवरेज एटॉमिक मास के अंदर भी किया था। तो मैं क्वेश्चन एक अलग लिख रहा हूँ, ठीक है, आप ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन होगा, ठीक है। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑर्जेनाइड ऑक्सीजन, एवरेज मोलर मास ऑफ ऑर्जेनाइड, एवरेज मोलर मास ऑफ ऑर्जेनाइड ऑक्सीजन इज 36, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ ओजोनाइज्ड, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन, ठीक है। तो अभी मैंने आपको ले, या तो फॉर्मूला से जाओगे तो बेटा एक को 100 माना दूसरा 100 माइनस है, कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट होगा, सर ओजोनाइड ऑक्सीजन मतलब क्या होता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ ओजोन एंड O3। आपको पता होगा कि ओजोन कैसे बनता है, twice of O2 tends to give twice of O3, इसी कंबाइन को हम क्या बोलते हैं, ओजोनाइड ऑक्सीजन बोलते हैं। तो समझे बात, इसका मोलर मास कितना हुआ 32 और इसका मोलर मास कितना हुआ 48, मतलब एवरेज मोलर मास इनके बीच का रहेगा बेटा, समझना बात को, ठीक है, क्योंकि दिख रहा है 36 इनके बीच के वैल्यू। आपको निकालना किसका है, परसेंटेज ऑफ O2 निकालना है। तो ऊपर मैंने अगेन बोला, ऊपर आपको नीचे तो आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 8 और 8 16, ठीक है। ऊपर क्या करना है, आपको O2 का परसेंटेज निकालना है, तो ऊपर में एवरेज को जिसका निकालना है उसके सामने वाले से सब्ट्रैक्ट कर दो, O2 का निकालना है तो आपके पास बचा क्या मिक्सचर में O3 बचा, तो 36 को O3 से माइनस कर दो, क्योंकि इसलिए मैंने मोड लगा दो, हो सकता है वैल्यू छोटी बड़ी हो सकती है, तो 12/16 × 100, तो ये 3 और ये 4 ये 25, तो दैट्स नथिंग बट 75%। तो यहां तक चीजें आपको बेटा क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। आखिर इनका मतलब क्या है, इसी बात हम क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, आपको फोर और बेटर क्लियर हो ये सब चीजें। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं, एवरेज मोलर मास ऑफ सैंपल, क्वेश्चन है एवरेज मोलर मास ऑफ सैंपल कंटेनिंग CO एंड CO2 इज 32, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ CO इन मिक्सचर। आपको मिक्सचर में परसेंटेज निकालना तो और आसान है, अगेन आपको परसेंटेज किसका निकालना बेटा, CO का निकालना है, नीचे CO2 इसका 28 हो गया मेरे हिसाब से, इसका 44, तो 44 माइनस 28 कितना डिफरेंस हो जाएगा मोलर मास का,
मेरे हिसाब से तो होना चाहिए 16th, राइट? हाँ, 16th into 100, और ऊपर आपको निकालना सी हो तो ऊपर आप सब्ट्रैक्ट करोगे 32 minus 44, तो ये कितना हो जाएगा अगेन 8 × 12 / 16 × 100, अगेन इट इज 25%। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, बट इस बेसिकली टोटल टेक्निक के ऊपर डिपेंड है, तो ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है हमें, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आवर टॉपिक इज, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, गे लुसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। कंबाइनिंग वॉल्यूम कहता क्या है, ठीक है, तो पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं। गैसियस कंबाइन इन द सिंपल रेशियो, गैसियस कंबाइन इन द सिंपल रेशियो, गैसियस कंबाइन इन द सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, ऑफ देयर वॉल्यूम, ऑफ देयर वॉल्यूम प्रोवाइडिंग ऑल मेजरमेंट प्रोवाइडेड, ऑल प्रोवाइडिंग ऑल मेजरमेंट शुड बी मेड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है, समझो बात को। क्या बोला, गैसेस कंबाइन इन अ सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम प्रोवाइडिंग ऑल द मेजरमेंट शुड बी मेड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊं कि आखिर कहना क्या था, जैसे H2+O2, तो ये आपको क्या देगा, ट्वाइस ऑफ H2O, या H2+Cl2, तो ये आपको क्या देगा, ट्वाइस ऑफ HCl। अगर मैं इसको मोल के रिस्पेक्ट में बोलता हूं, अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इन विद रिस्पेक्ट टू मोल, तो 1 मोल ऑफ H2 कंबाइंड विद 1 मोल ऑफ Cl2 प्रोवाइडिंग 2 मोल ऑफ HCl। तो गे लुसेक लॉ का यही मानना था कि अगर मैं कांस्टेंट टेंपरेचर प्रेशर कर दूं, तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं कि 1 वॉल्यूम ऑफ H2 कंबाइंड विद 1 वॉल्यूम ऑफ Cl2 दैट विल प्रोवाइड 2 वॉल्यूम ऑफ HCl। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि मैं क्या कहना चाहता हूं, लेकिन ये कब आप बोलोगे, जब प्रेशर और टेंपरेचर आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उसी केस में आप ये चीजें बोल सकते हो, ठीक है। नाउ व्हाट आवर नेक्स्ट है, एवोगाड्रो हाइपोथेसिस, व्हाट इज दैट, एवोगाड्रो हाइपोथेसिस, एवोगाड्रो हाइपोथेसिस क्या कहता है, समझो बात को बेटा, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस गैसेस कंटेन इक्वल मोल्स, इक्वल मोल्स अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। मतलब क्या बोला, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस कंटेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ इक्वल नंबर ऑफ मोल्स इफ हैविंग प्रेशर एंड टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। मतलब आम भाषा में वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। कब, जब प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या हो मेरा, कांस्टेंट हो। आपने थोड़ा बहुत अगर 10th में आईडिया होगा, PV = nRT आपने इक्वेशंस पढ़ा था, दिस इज नथिंग बट आइडियल गैस इक्वेशन। प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट है, R अपने आप में कांस्टेंट है, तो V बराबर हमेशा क्या हो जाता है, N हो जाता है। लेकिन आप मत, कहने का मतलब है, जैसे सपोज कर आपने एक सैंपल लिया, एक सैंपल में 10 गैसेस है, क्या कितने गैसेस है, 10 गैसेस, और उस सैंपल का मैंने प्रेशर टेम्परेचर क्या रखा, कांस्टेंट रखा, तो हर गैस का जो वॉल्यूम होगा वही उसका नंबर ऑफ मोल्स भी कहलाता है। इसका कहने का मतलब ही सिंपल सी भाषा में यही था। अब एवोगाड्रो ने क्योंकि दो हाइपोथेसिस थे, पहला हाइपोथेसिस ने तो पहले बोल दिया कि 1 मोल कंटेन ऑलवेज
वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन 6.023 × 10^23 पार्टिकल, वो पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, ये पहले हाइपोथेसिस हमने पहले स्टार्टिंग में पढ़ लिया था। दूसरे हाइपोथेसिस उसने बोला कि भाई इक्वल मोल्स ऑलवेज कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। तो यहां तक चीजें आपको मुझे मेरे हिसाब से लगता समझ में आ गई होंगी। यहीं पे एक कांसेप्ट आता है एसटीपी, एक कांसेप्ट है एसटीपी जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टेंपरेचर एंड प्रेशर। दूसरा होता है एनटीपी जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल टेंपरेचर एंड प्रेशर, इसको हम ये बोलते हैं। आखिर ये कंडीशन क्या होती है? ये कंडीशन का मतलब होता है अगर टेंपरेचर 0 °C है या 273 K है और प्रेशर कितना मेंटेन किया हुआ, 180 मेंटेन किया हुआ है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एसटीपी या एनटीपी। देखो जनरली ये पुराना है, आज के न्यू जो है अभी जो फिलहाल है वो 1 bar मानते हैं, बट इट इज स्टिल नॉट अपडेटेड इन आवर सिलेबस। आप फिर भी याद रखिए एसटीपी एनटीपी कंडीशन होती है। ये क्या कंडीशन होती है कि आपने किसी गैस का टेम्परेचर 273 K या 0 °C मेंटेन किया और प्रेशर 1 atmospheric मेंटेन किया, उस कंडीशन का नाम दिया है हमने क्या, एसटीपी या एनटीपी। और इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है, वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, ये बहुत ज्यादा इसी कंडीशन पे एक ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है। वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे अगर मैं पीवी इक्वल टू एनआरटी की बात करूं, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी में तो प्रेशर तो 1 है, वॉल्यूम मुझे पता नहीं है, सपोज करो मोल 1 मान लेता हूं, आर की वैल्यू 0.082, ये कैसा आया मैं आपको गैस स्टेट में बताऊंगा, टेंपरेचर 273। जब साइंटिस्ट ने ये कंडीशन डाल के देखी तो उनको वॉल्यूम जो निकला वो 22.4 लीटर निकला। इसका मतलब उन्होंने एक ऐसा कंक्लूजन निकाला, वो कंक्लूजन क्या था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट बना के मैं बहुत इंपॉर्टेंट बोल देता हूं। 1 मोल ऑफ एनी गैस कंटेन 22.4 liter वॉल्यूम, ठीक है, किसी भी गैस का वॉल्यूम अगर एट एसटीपी, बट ये याद रखना ये वैलिड कब होगा, जब कंडीशन आपकी क्या दी होगी एसटीपी, मतलब 1 मोल कोई भी गैस का अगर मोल 1 है और कंडीशन एसटीपी मेंटेन है तो उसका वॉल्यूम कितना रहता है 22.4, ठीक है। तो आपको मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करवाता हूं यहां पे आपको ताकि समझ में आए, कैलकुलेट वॉल्यूम एट एसटीपी ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट आपका है 80 ग्राम ऑफ O2, इसका वॉल्यूम बताना आपको एसटीपी पे। सेकेंड है 2.2 mg of CO2। देखो अगर मैं बात करूं इसके पहले मोल्स निकालो, कहानी की शुरुआत हमेशा कहां से होगी, मोल्स से होगी, तो 80 / 32 तो दैट्स नथिंग बट 16 π/2, ठीक है, दिस इज मोल्स, देन व्हाट इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम को कुछ नहीं करना, 5/2, एक मोल में अगर आपके पास 22.4 है तो 5/2 में कितने होंगे, तो 22.4 से मल्टीप्लाई करो, देयर यू विल गेट योर आंसर। अगेन अगर मोल्स ऑफ O2 की बात करो तो मोल्स ऑफ CO2 मेरे पास कितना हो जाएगा, 22 × 10⁻³ ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, और अगेन 44 से डिवाइड कर दे तो दैट्स नथिंग बट 1/2, तो दैट्स नथिंग बट 5 × 10⁻⁴। ये आपके पास क्या है, मोल्स है, तो वॉल्यूम कितना आएगा, तो वॉल्यूम आपको आ जाएगा मोल्स इनटू 22.4, तो मतलब कितना होगा 5 × 10⁻⁴ × 22.4, तो दिस इज योर आंसर। कहने का मतलब क्या, अगर आपके पास एक मोल है तो आपके पास वॉल्यूम कितना होगा एसटीपी पे 22.4, दो मोल है तो आपके पास वॉल्यूम कितना होगा 44.8, हाफ मोल है तो आपके पास वॉल्यूम कितना होगा 11.2, मतलब 22.4 को डिवाइड कर दोगे तो एक मोल का जब इतना है तो कितने भी मोल्स आए तो 22.4 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, यू विल गेट योर आंसर, राइट। तो होप सो यहां तक चीजें आपको सारी समझ में आएंगी। प्लीज प्लीज माय हंबल रिक्वेस्ट प्यारे बच्चों, प्लीज जो डीपीपी है उसको टाइम पे बनाए, उसको रिवाइज करें और हर दिन ये क्वेश्चन एक बार फिर से बना ले, कोई दिक्कत नहीं। एक बार ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट अगर आ गए तो आगे आपके लिए ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।